बैठी धर्मा भ्रष्ट कोई कहे है तो चिर हो गए या प्रसन्न हो गए किसी को कहती है धर्मा भ्रष्ट है तो प्रशंसा है या निंदा निंदा योगा भ्रष्ट ये तो योगा भ्रष्ट है प्रशंसा है सुनना तो निंदा लगती है। योगा भ्रष्ट का अर्थ होता है पूर्व शरीर में ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई गंतव्य की प्राप्ति नहीं हुई प्रारब्ध के कारण साधन अपूर्ण रहा तो लभते पौर्व देहिकन यात्री चलते चलते किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए सो जाए तो जहाँ तक चल चुका है नींद टूटने पर वहाँ तक की दूरी तो तय हो पहले से हो गई आगे चला जाएगा। जितनी साधना करके देहत्याग करता है उसकी निष्ठा इस जीवन में प्राप्त हो जाती है उससे आगे वो प्रयत्न करता है। योगा भ्रष्ट में योग शब्द प्रशंसा का वाचक है भ्रष्ट शब्द निंदा का वाचक है। दो प्रकार के योगा भ्रष्ट होते हैं पूर्व शरीर की आयु पूर्ण हो जाने के कारण योग की सिद्धि नहीं हुई पूर्ण रूप से और कहीं आसक्ति जैसे मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई जल भरत की तो भ्रष्टता के हेतु केवल देहपात ही हेतु है या किसी विषय में संसर्ग आसक्ति उसका बोध भी उनको हो जाता है इसलिए जर भरत संग से बचते थे मृग होकर के भी संग से बचते थे मृग के झुंड में न रह करके अपने अलग थलग रहते थे क्योंकि मृग शरीर में भी उनको ज्ञान था मृगाकार वृत्ति अगर देहत्याग के अव्यभित पूर्वक्षण में न होती तो कोटि कोटि मृग दंपति अर्निश विहार करके अभी मुझे मृग शरीर नहीं देने में समर्थ नहीं होते इसलिए योगा भ्रष्ट उसको कहते हैं साधना की स्थिति का भी ज्ञान हो और पूर्व शरीर में ही क्यों योग पूर्ण नहीं हुआ इस तथ्य का भी ज्ञान हो उनको योगा भ्रष्ट भ्रष्ट शब्द जो है अपकर्ष का द्योतक है योग शब्द यहाँ उत्कर्ष का द्योतक हो गया आ गया ना पूछा जी।